हेल्दी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर सेकंड विच इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद थ्री टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर टू कंटेन्स एसिड सॉल्यूशंस एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस सॉल्यूशन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? So first of all, we should know the effect of acids and bases on the litmus paper. Let us understand that first. Acid generally turn blue litmus paper to red and red litmus paper remain as it is, while base it turn red litmus paper blue, while blue litmus paper remain as it is. Okay, so acid is a symbol of danger and symbol of the danger is red. So simple remember one thing ki acid turn litmus paper red, blue hai to red ho jayega, red wahi ka wahi rahega. Ab base ka bhi theek hai aur blue ka bhi, uska matlab base blue banata hai. Agar red hai to blue ban jayega aur blue hai to ब्लू रहेगा। सी सपोज इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू आर हैविंग थ्री टेस्ट ट्यूब। अब ये तीनों में कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा वाटर है डिस्टिल्ड वाटर इन न्यूट्रल, वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम करना है। लेकिन हमारे पास जो लिटमस पेपर है ठीक है, वो सिर्फ रेड लिटमस पेपर है। कौन सा है हमारे पास लिटमस पेपर? रेड। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये तीनों सॉल्यूशन में से ड्रॉप में रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाल रहा हूँ ठीक है। अब सपोज मैंने इसके अंदर से ए ए हुआ, ये बी और ये सी, मैंने ए में से ड्रॉप रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाला, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने बी में से ड्रॉप रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाला तो ये रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो गया। क्या हो गया? ब्लू। तो ये बी वाला सॉल्यूशन डालने से रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, तो उसका मतलब क्या? कब रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है? जब बेस होता है तब। तो उसका मतलब कंफर्म हो गया कि द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी इज अ बेस। अब हमें ए और सी को फाइंड करना बाकी है। अब क्या हो गया कि जब मैंने बी का सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाला था, पूरा का पूरा रेड लिटमस पेपर कौन से कलर का हो गया? ब्लू कलर का। कौन से कलर का हो गया? ब्लू कलर का ठीक है। अब मैं टेस्ट ट्यूब वन में से सॉल्यूशन लिटमस पेपर के ऊपर डाल रहा हूँ जो ब्लू हो गया है, और सी में से भी डाल रहा हूँ। तो जब ए में से डाल रहा हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब जब मैंने सी में से जो सॉल्यूशन ये लिटमस पेपर के ऊपर डाला तो ये ब्लू लिटमस पेपर टर्न होके रेड हो गया। तो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एसिड। दैट मीन्स टेस्ट ट्यूब सी में क्या है? वो एसिड है, और टेस्ट ट्यूब ए में है डिस्टिल वाटर। तो सिंपल, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ऑल टेस्ट ट्यूब ऑन रेड लिटमस पेपर, द सॉल्यूशन विद टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। देखो पहले रेड से ब्लू हो गया, वो किसने बनाया था? बी ने। द सॉल्यूशन विद टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कंटेन बेसिक सॉल्यूशन। ओके, जो रेड को ब्लू बना दिया दैट इज बेसिक सॉल्यूशन। अब हमारा लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया है और ये दो सॉल्यूशन बचते हैं। नाउ एड फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन फॉर रिमेनिंग टू टेस्ट ट्यूब ऑन लिटमस पेपर, द सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन। अब मैंने ये टेस्ट ट्यूब में से सॉल्यूशन डाला तो वो ब्लू को रेड बना दिया उसने, तो उसका मतलब ये एसिड है। एंड द सॉल्यूशन विच नीदर टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड नॉर रिलेटेड टू ब्लू इज डिस्टिल वाटर। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी थ्रू वन वीडियो। विल अंडरस्टैंड लिटमस पेपर टेस्ट ओवर हियर। लुक हियर वी आर हैविंग लिटमस पेपर्स ब्लू एंड रेड।
So these are the red litmus paper and these are blue litmus paper. Okay, red litmus paper, blue litmus paper. Now here we are having lime solution, that means acid. तो आपको मालूम है एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है, एसिड डेंजर यानी रेड यानी ब्लू को रेड बनाएगा और रेड एज इट इज. तो देखते हैं ये क्या करता है. चेक इट आउट, ये एसिड है तो रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट चेक इट आउट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड. तो उसे क्या मालूम चलता है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है विच इज बेस, बेस मतलब बी, वो ब्लू बनाएगा. तो देखो ये रेड लिटमस पेपर को उसने ब्लू बना दिया, जबकि ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा क्योंकि बेस मतलब बी, ब्लू मतलब बी, तो ब्लू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा. नाउ लास्ट वन इज विनेगर, इट्स एसिडिक, एसिड का मतलब डेंजर यानी वो रेड बनाएगा, ठीक है, और रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं. चेक इट आउट, रेड लिटमस पेपर विल रिमेन एज इट इज व्हाइल ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट be kept in brass and copper vessels. Curd and sour substances are acidic in nature. They react with brass and copper vessels and form toxic substances which are harmful to the human body. Therefore, curd and other sour substances should not be kept in brass and copper vessels. Look, suppose this is a vessel which is made up of either brass or copper. अब मैंने suppose इसके अंदर curd रखा long time तक, ठीक है, मैंने लॉन्ग टाइम तक कर्ड रखा. तो अब दो दिन, एक दो दिन तक कर्ड रखो इसके अंदर, फिर जब आप उसका टेस्ट चेक करोगे तो टेस्ट है ना ये आपको प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है. ये इसका टेस्ट है वो क्यों चेंज हो गया, क्योंकि कर्ड है, कर्ड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है. क्या होता है कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, और ये एक मेटल है कॉपर. तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, ठीक है. तो ये जो कर्ड है उसका एसिड ये कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, और ये सॉल्ट बनने की वजह से कर्ड का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से कर्ड का टेस्ट चेंज होके वो टॉक्सिक बन जाता है. टॉक्सिक का मतलब जहरीले. अब जहरीले का मतलब ये नहीं होता है कि वो खा के मर जाएंगे, लेकिन टॉक्सिक का मतलब ये होता है कि वो खाने से हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा और हमारी हेल्थ बिगड़ेगी. तो ऐसे कोई भी ब्रास या कॉपर, कोई भी ऐसे मेटलिक वेसल के अंदर अगर सोर सब्सटेंसेस रखेंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा और टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है. ओके, व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल. Illustrate with an example. How will you taste the presence of this gas? We know very well that whenever metal react with acid, always it form dihydrogen gas. And how will you check out the presence of dihydrogen gas? Popping sound. Okay? Simple hai. See, zinc. Valency 2 plus. Hydrochloric acid. H plus Cl minus. We know very well positive react with negative. So Zn2 plus Cl1 minus cross होगा ZnCl2 and this hydrogen gas will get free. ठीक है, अब balance करें हम तो Zn zinc 1, zinc 1, chlorine 2. अब ये chlorine को 2 बनाने के लिए आगे मैं 2 लिखूंगा. अब hydrogen 2 हो गए, ये hydrogen 2 balance हो गया, ठीक है. Hydrogen gas is liberated when an acid react with metal. This is the reaction which I have shown. When burning candle of or matchstick is brought near hydrogen gas, it burn with pop sound. चलो देखते हैं. Let us understand through video.
here it is. This is hydrochloric acid. See here, we'll take zinc, piece of zinc. देखो ये हम जिंक ऐड कर रहे हैं, ये जिंक स्पैटुला के अंदर है, ये रहा जिंक, ये हमने ऐड किया। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हम मालूम है जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसका हमें पॉपिंग साउंड सुनना है। अब डाइहाइड्रोजन गैस इसके अंदर फॉर्म हो रहा है, देखो ये जो आपको यहां दिख रहा है ये डाइहाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, बर्न कैंडल रखेंगे, बर्निंग कैंडल रखेंगे इसके नियर बाय, तो वो एक्सटिंग्यूज हो जाने चाहिए, कौन से साउंड के साथ, पॉपिंग साउंड के साथ। अगर पॉपिंग साउंड के साथ एक्सटिंग्यूज होगी मतलब वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। आपको साउंड सुनना है, ठीक है, चलो अब आपको साउंड सुनना है। क्लियर, सो दिस गैस एक्सटिंग्विशेस कैंडल विद पॉपिंग साउंड, दैट मीन दिस गैस मस्ट बी डाइहाइड्रोजन गैस। क्लियर, सो इन दिस द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस वी कैन कंफर्म व्हेन बर्न मैस्टिक और कैंडल ब्रॉड नियर टू दिस गैस इट एक्सटिंग्विश इट बर्न्स विद पॉपिंग साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्वेंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इट्स कैल्शियम क्लोराइड। लिसन, हाउ विल यू जज दिस केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट टेक इट आउट कि विच कंपाउंड वी आर हैविंग ओवर हियर। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो ये ए है, ए लिख डालो और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो लिख डालो, टू प्रोड्यूस, ठीक है, गैस इवॉल्व, अब ऐसा गैस इवॉल्व हो जाता है विच एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। देखो एक बात याद रखने का, जैसे हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है वैसे ही कौन सा गैस कैंडल को एक्सटिंग्विश करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। सब गैस की उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और एक चीज लिखी है, वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, और एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड है। लो इतनी सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं, तो हमें ए ढूंढना है, ठीक। अब देखते हैं कि रिएक्टर में ऐसी कौन सी चीज़ें जो प्रोडक्ट में नहीं है। पहले तो हम कंपाउंड ए फाइंड आउट करेंगे। देखो ये कैल्शियम यहाँ नहीं है, तो एक तो सी आना चाहिए, दूसरा क्लोरीन तो है यहाँ पर तो उसको भूल जाओ, कार्बन नहीं है तो कार्बन लिखो, ऑक्सीजन भी नहीं है। अब देखो CaCO2 कोई कंपाउंड होता नहीं, हमें मालूम है कंपाउंड होता है CaCO3, तो उसका मतलब कंपाउंड ए होना चाहिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें ये देखना पड़ेगा ये कौन सी चीज रिएक्टेंट में है प्रोडक्ट में नहीं है। देखो हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, अब देखते हैं कि यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन लिए थे और यहाँ पर तो सिर्फ 3 ऑक्सीजन लिए थे और यहाँ पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब एक ऑक्सीजन बचा यहाँ पर और एक हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो ये हमें रिएक्शन मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर लेता है। अब बैलेंस करो, वन कैल्शियम वन कार्बन ऑक्सीजन 3 2 प्लस 3 1 3
हाइड्रोजन वन, हियर हाइड्रोजन टू, तो आई विल राइट टू बिफोर एक्स सी एच, क्लोरिन बिकम टू, हियर क्लोरिन टू, क्लियर। नेक्स्ट, वाई डू एच सी एल एन एच एन ओ थ्री, एच सी एल दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एच एन ओ थ्री दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। चलो देखते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से होते हैं। लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन आई एड वाटर इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइजेस एंड फॉर्म हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयन, इट फॉर्म हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयन। नाइट्रिक एसिड, व्हेन आई एड वाटर इनटू नाइट्रिक एसिड अगेन इट फॉर्म हाइड्रोजन एंड नाइट्रेट आयन। तो ये दोनों एसिड में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन आयन। एसिड अपनी प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस होगा? जब उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। दूसरी एक बात याद रखना, हम ये रिएक्शन और एक तरीके से भी लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वाटर को ऐसे कैटलिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट में वाटर शो करूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा H3O प्लस एंड Cl1 माइनस, और HNO3 प्लस H2O, सो इट विल बी H3O प्लस प्लस NO3 1 माइनस। उसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर के लिए आप हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हो, और H3O प्लस मतलब इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। तो अगर हाइड्रोजन या तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ तभी वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, पहली बात। और ये दोनों आयन प्रोड्यूस कब होंगे? जब इसके अंदर वाटर डालेंगे तब। जब तक आप वाटर नहीं डालोगे आयोनाइजेशन नहीं होगा। आयोनाइजेशन होना मतलब आयन्स अलग होना। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन अलग हो गए, यहाँ पर सेकंड में भी H3O प्लस और Cl1 माइनस अलग हो गया। जब तक वाटर नहीं डालोगे तब तक आयन सेपरेट नहीं होंगे। आयन सेपरेट नहीं होंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेंगे, मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा नहीं। तो दो ही बातें याद रखो कि एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए हाइड्रोजन आयन और या तो हाइड्रोनियम आयन बनना चाहिए। यह आयन कब बनता है? जब उसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है, क्लियर। इतनी बात माइंड में रखनी है आपको। द क्वेश्चन इज कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब हम उसके एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनाया मतलब वाटर डालना, तो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। उसका मतलब क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं? बिकॉज दे आइदर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल शो नहीं करते, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल और ग्लूकोज ये आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सिंपल आंसर है, कंपाउंड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, देयरफॉर दे शो एसिडिक कैरेक्टर, व्हाइल कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयन, सो दे डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। सिंपल। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, देखो सिंपल लॉजिक है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या? वाटर वाला सॉल्यूशन। तो मैं कोई भी एक एसिड ले लेता हूँ, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब उसके अंदर जैसे वाटर ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है। अब या तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रिएक्टेंट में अगर वाटर लिखते हैं तो हाइड्रोनियम आयन दोनों करेक्ट है और क्लोरीन आयन। तो वाटर ऐड करने से क्या हुआ? आयोनाइजेशन हुआ, आयन्स बने, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? आयन्स, समझ रहे हो। तो ये आयन्स कब बने? जब मैंने वाटर एसिड के अंदर डाला तब। अगर मैं वाटर एसिड के अंदर नहीं डालूंगा तो आयन्स नहीं बनेंगे और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन बनना ज़रूरी है, और आयन कब बनेगा? जब मैं वाटर ऐड करूंगा तब। तो उसको सिंपल मतलब है कि जब तक एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और
एक्वस सॉल्यूशन बनाना मतलब वाटर ऐड करने पर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि आयन्स प्रोड्यूस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सी इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन अ सॉल्यूशन बाय आयन्स, एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू वीडियो। उसमें स्पून डालना बेटा। He's right there, bro. Come on, come on, come on, come on. Yes, bro. Look. See, here it is hydrochloric acid. ठीक है, ये बल्ब है। अब मैं सर्किट कंप्लीट करता हूँ। ये दो रोड्स हैं जिसमें से एक कैथोड है और एक एनोड है। अब मैंने जैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया, देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, इसे तो बल्ब ग्लो हुआ ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब आयन्स होते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, मतलब जब मैंने वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो वहाँ पर आयन बन गए। आयन बने तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयन फॉर्म होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि एसिड आयन फॉर्म करते, बेस भी फॉर्म करते हैं। देखो अब ये दूसरा सॉल्यूशन है, उसके अंदर बेस है कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं। देखो अब हम इसको क्लीन करना पड़ेगा ताकि जितना एसिड उसके ऊपर स्टिक हुआ है वो निकल जाए। अब बेस के अंदर डाल, देखो बल्ब दिखना है आपको, देखो बल्ब वापस ग्लो कर रहा है। तो उसका मतलब बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी हो सकती है जब आयन फॉर्म हो। तो उसका मतलब जब हम वाटर बेस के अंदर डालते हैं तो भी आयन्स फॉर्म होते हैं। देखो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। एक बात याद रखना, कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है उसका मतलब उसके अंदर आयन फॉर्म हो रहे हैं। और आयन फॉर्म कब होंगे, जब आप वाटर ऐड करोगे तब। क्लियर? और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है मतलब वो आयन फॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है। देखो नाउ टेल मी, इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन आई ऐड वाटर व्हाट इट विल फॉर्म, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन। और दूसरे तरीके से रिएक्शन हमें लिखना आता है, हाइड्रोनियम और क्लोरीन आयन। तो अब मुझे एक बात बताओ, एसिड उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब हाइड्रोजन आयन फॉर्म होगा तब। दूसरी बात मुझे बताओ, हाइड्रोजन आयन कब फॉर्म होगा, जब एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तब। तो अगर ये ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके अंदर वाटर है ही नहीं, तो मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं हुआ है। तो मतलब ये ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी कौन सी है, ब्लू लिटमस पेपर वो रेड बनाना। तो अगर ये ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर पास करूंगा तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आया, क्योंकि उसने एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं की। क्यों एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं की, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी शो होने के लिए वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी है, जबकि ये तो ड्राई है। कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस ओनली व्हेन इट कम इन कॉन्टेक्ट विथ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस होता है, एंड हाइड्रोजन आयन इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन हाइड्रोक्लोरिक गैस कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर। therefore dry hydrochloric acid do not change the color of the dry litmus paper. okay, why diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid. चलो हम देखते हैं diluting का मतलब क्या होता है, मालूम है आपको।
डाइल्यूटिंग का मतलब एसिड, एसिड के अंदर वाटर को ऐड करना, ठीक है। डाइल्यूट, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना मतलब 10% एसिड और 90% वाटर, इसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं, जिसके अंदर 10% ही एसिड होता है, 90% वाटर होता है, ठीक है। तो अगर मुझे डाइल्यूशन करना है तो मैं कैसे करूँगा, मिक्सो में एसिड और वाटर को करना है। क्वेश्चन ये है, एसिड के अंदर वाटर डालेंगे कि वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, चलो तो समझते हैं। देखो सपोज ये मैं पहले 10% एसिड ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप 90% वाटर डालने का ट्राई करता हूँ। तो आपको क्या लगता है क्या होगा मालूम है, ये वही सिचुएशन हुई कि आपके पास उबलता हुआ तेल है, ऑयल, और उसके अंदर आप वाटर के ड्रॉप्स डाल रहे हो। देखना कभी भी जब भी बॉयल ऑयल में थोड़े से वाटर के ड्रॉप भी डालते हैं तो ऑयल उछल के ऐसे बाहर आता है, और ये ऑयल अगर आपके हाथ पे गिर गया तो योर स्किन गोइंग टू बी बर्न, जल जाएगी। आपके मदर से पूछना, जब ये पूरियाँ बनाती है तब जनरली ऐसा होता है, तेल उड़ता है, ठीक है, थोड़े वाटर के ड्रॉपलेट भी चले जाए तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, तो आपको क्या लगता है ये सेफ है, ये सेफ नहीं है। तो एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरी कंडीशन एक समझते हैं, यहाँ पर 10% एसिड हमने लिया था और वाटर ऐड करने का ट्राई करना किया था, जो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दिस एसिड विल स्प्लैश आउट। स्प्लैश आउट का मतलब बाहर की तरफ उछल के गिरेगा, जिसकी वजह से जलने के चांसेस रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 90% वाटर लेंगे और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे। अब आप सोचोगे कि वाटर के अंदर एसिड डालोगे तो वही चीज़ होगी ना, वापस वाटर उछल के बाहर नहीं आएगा, आएगा तो। लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, विल कंटिन्यूस स्टीयर द वाटर, वाटर को कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे। उससे क्या होगा कि एसिड डालेंगे, उसकी जो हीट निकलेगी वो वाटर को कंटिन्यूस हिलाते रहते तो वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज वाटर इज़ अ बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, जिसकी वजह से वाटर उछल के बाहर नहीं गिरेगा। तो आपको कंटिन्यूस एसिड ऐड करते जाना है और वाटर को कंटिन्यूस स्टीयर करते जाना है, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इन दिस वे एसिड्स आर डाइल्यूटेड। इफ यू ऐड वाटर टू एसिड, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, दे मे ब्रेक द ग्लास कंटेनर और स्प्लैश आउट एंड मे कॉज हिज बर्न्स, ठीक है, अगर एसिड के अंदर वाटर डाला तो। इसलिए हम क्या करेंगे, बट वेन एसिड इज एडेड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, यानी हिलाते रहना, द हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड नो हार्म अकर्स, क्लियर। हाउ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स अफेक्टेड वेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। देखो डाइल्यूट का मतलब क्या, वापिस मैं समझाऊँ, डाइल्यूट का मतलब वाटर ऐड करना एसिड के अंदर। अब सपोज ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, अब एसिड है उसका मतलब उसके अंदर कौन सा आयन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन। अब डाइल्यूटिंग करना मतलब उसके अंदर वाटर ऐड करना, तो जैसे वाटर हम ऐड करते जाएंगे हाइड्रोजन आयन का प्रपोर्शन डाउन होता जाएगा, यानी कम होता जाएगा, उसी को कहते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, ओके। नेक्स्ट, हाउ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो बेस है, तो उसके अंदर कौन से आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है। अब उसके अंदर हम, मैं वापस बेस डाल रहा हूँ, मैं बेस ही डाल रहा हूँ, और बेस में कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्साइड, ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन है ही, और ऊपर से बेस, यानी मैं वापस हाइड्रोक्साइड आयन ही डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीज, सिंपल। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हियर एक्सेस बेस विल रिलीज मोर हाइड्रोक्साइड आयन, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीजेस, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी. द पीएच सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच सॉल्यूशन बी इज 8. विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, विच इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक. टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड पीएच स्केल. यू नो वेरी वेल ऑन द पीएच स्केल वी आर हैविंग नंबर फ्रॉम 1 to 14. लुक, दो सब्सटेंसेज विच आर हैविंग पीएच लेस देन सेवन दे आर कॉल्ड एसिड एंड दे आर हैविंग मोर प्रपोर्शन ऑफ विच आयन हाइड्रोजन आयन एंड दोज विच पीएच इज मोर देन सेवन. ओके, पीएच इज मोर देन सेवन. They are called base. That means they are having more proportion of hydroxide ion. Listen, as pH decreases, its acidity increases. Yani 7 से जितनी pH कम होगी उतनी उसकी acidic property increase होती जाएगी. For example, मैं अगर कोई भी 2 pH ले लूँ, pH 3 और pH 2, तो उसमें सबसे कम pH कौन सी है? 2. तो मतलब जिसकी पीएच 2 है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, नो डाउट ये दोनों एसिड ही है क्योंकि दोनों की पीएच लेस देन 7 है. लेकिन सबसे कम लेस देन 7 में किसका वैल्यू? 2 का. सो हुएवर सब्सटेंसेस हैव, सॉरी व्हाट एवर सब्सटेंसेस हैव पीएच लेस देन 7, देन पीएच 2, इट इज मोर एसिडिक कंपेयर टू सब्सटेंसेज विच आर हैविंग पीएच 3. दैट मीन्स सब्सटेंस विच हैव पीएच 2 हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंपेयर टू सब्सटेंस विच हैव पीएच 3. उसी तरीके से अगर जितनी पीएच ज़्यादा होगी उतने हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे. ठीक है, एसिड एंड बेस. सो हियर वी आर हैविंग ए कंपाउंड ए विथ पीएच 6 एंड बी विथ पीएच 8. तो ऑब्वियसली कंपाउंड ए हैव पीएच 6 विच इज लेस देन 7, सो इट विल बी एसिडिक एंड कंपाउंड बी हैव पीएच 8 विच इज मोर देन 7, इट विल बी बेसिक. अब ये एसिडिक है कंपाउंड ए, तो उसके अंदर ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, और बी ये बेसिक है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? कम. सॉल्यूशन हैविंग पीएच लेस देन 7 इज एसिडिक, दैट हैविंग पीएच मोर देन 7 इज बेसिक. सो सॉल्यूशन ए इज एसिड एंड बी इज बेसिक. सॉल्यूशन ए हैज ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. व्हाट अफेक्ट डज Just a minute. What effect does the concentration of hydrogen ion have on the nature of the solution? This is 12 number question. अब ये समझने के लिए अभी आपको पीएच के लिए समझनी होगी. लुक, 1, 7, 14. ओके, लेस देन 7 एसिड, मोर देन 7 बेस. ओके, लुक, अब जितनी पीएच कम होगी,
ठीक है, उसका कौन सा नेचर बढ़ेगा, एसिडिक, और जब भी एसिडिक नेचर बढ़ता है तो कौन सा आयन बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब सपोज उसकी पीएच इंक्रीज हो रही है तो बेसिक नेचर बढ़ता है तो मतलब कौन से आयन बनते हैं, हाइड्रोक्साइड। उसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, जैसे 7 से पीएच ऊपर जाती है तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है और हाइड्रोक्साइड का बढ़ने लगता है, इसी की वजह उसका नेचर बेसिक हो जाता है। जो आयन ज़्यादा वो नेचर वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा आयन ज़ीरो हो जाता है। वैसे जब पीएच लेस देन 7 हो जाती है तो मतलब नेचर एसिडिक, मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोक्साइड आयन ज़ीरो हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन कम हो जाते हैं, इसकी वजह से उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। लेकिन जब पीएच 7 होती है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों आयन सेम हो जाते हैं। क्लियर, सॉल्यूशन विच इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज एसिडिक इन नेचर एंड द सॉल्यूशन विच इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज बेसिक इन नेचर। 13, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव हाइड्रोजन आयन्स, इफ यस देन वाई आर दिस बेसिक। अब मैंने आपको जैसे समझाया था वही है कि जो बेस होता है लेस देन 7, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन वो बेस इसीलिए है कि हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है और हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन आयन जीरो तो है ही नहीं, कम है, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होने की वजह से वो बेसिक है। सिंपल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन बोथ हैव हाइड्रोजन आयन। द डिफरेंस इज दैट एन एसिड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन देन हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, वाइल इन बेस हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल, अंडर वॉट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम और चॉक। लुक, जनरली पीएच ऑफ द सॉइल शुड बी मेंटेन बिटवीन 6.5 to 7.3। ठीक है, सॉइल की पीएच अगर इतनी है तो सबसे बेस्ट क्रॉप उसके अंदर ग्रो होता है। अब सपोज सॉइल की पीएच 6.5 से डिक्रीज हो जाती है, यानी लेस देन 7 ही हुआ, तो ये सॉइल कैसी बन जाएगी, एसिडिक। कैसी बनेगी, एसिडिक। तो सिंपल है, 6.5 से डिक्रीज हो जाती है पीएच, एसिडिक बन गई, तो अब पीएच बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, बेस, ताकि उसकी पीएच वापस 6.5 के और 7.3 के बीच में आ जाए। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कौन सा बेस है, ऑब्वियसली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर पीएच लेस देन 6.5 चली जाती है तो वो सॉइल एसिडिक बन जाती है और उसके अंदर में बेस डालना पड़ता है, हम बना कौन सा बेस डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे अगर पीएच मोर देन 7.3 हो जाती है तो ये सॉइल होगी बेसिक, तो वापस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या डालेंगे, एसिड, जो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। क्लियर, द सॉइल हैविंग पीएच लेस देन 6.5 इज कॉल्ड एसिडिक। टू मेक दिस सॉइल न्यूट्रल द फार्मर एड बेसिक सब्सटेंस सच एज क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम और चॉक। सॉरी, यहाँ बेसिक का डिस्कशन है ही नहीं, दिस क्विक लाइम इज ऑल्सो बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन, दिस ऑल आर द बेस, दे आर नॉट एसिड्स। वॉट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl टू बेकिंग पाउडर, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन येल ब्लीचिंग पाउडर। सो दिस इज अ सिंपल केमिकल रिएक्शन। लुक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, व्हेन वी पास क्लोरीन गैस टू इट, इट फॉर्म CaOCl2NH2O। सिंपल रिएक्शन इज देयर। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, सोडियम कार्बोनेट, दिस ऑल्सो कॉल वॉशिंग सोडा। हमारे कपड़े जल्दी क्यों धुलते हैं, क्योंकि जैसे वॉशिंग सोडा हम पानी में डालते हैं तो
तुरंत हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना देता है और सॉफ्ट वाटर में कपड़े जल्दी क्लीन हो जाते हैं। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर। बाय, हैव अ सेफ डे।